दिवाली के लिए हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता शकरपारे बिना चीनी और मैदे के, ताकि आप इसे इंजॉय कर सकें गिल्ट फ्री। शकरपारे के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे गुड़ और उसी के साथ पानी। ये मैंने गुड़ को बारीक काट लिया है, आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। हम इसे कुक करेंगे जब तक गुड़ कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी। तो आप देखें ये अब हो चुका है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तो एक बोल में हम लेंगे आटा, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे सूजी या फिर रवा। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, ये आप ज़रूर डालें, इससे एक बहुत अच्छा क्रंच आता है आपके शकरपारों में। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। जी हाँ, मैं देसी घी डालना पसंद करती हूँ, तेल में नहीं डालती, बिकॉज़ इससे जो आपके शकरपारे हैं वो बहुत खस्ता बनेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस प्रोसेस को हम मोन बोलते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैंने आटे को अच्छे से पूरे घी में मसल लिया है, तो ये एक साथ कंबाइन हो गया है। आप ऐसे पकड़ के देखें, ये हमारा सैंड टाइप टेक्सचर परफेक्ट है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा डालें गुड़ का जो हमने पानी बनाया था, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें, बिकॉज़ कई बार जो आटे की जो कंसिस्टेंसी होती है, किसी के यहाँ मोटा आटा होता है, किसी के यहाँ बारीक, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा पानी आपका कम या ज़्यादा लग सकता है। तो हमें इसका थोड़ा हार्ड, थोड़ा टाइट आटा गूंदना है, कभी भी आप सॉफ्ट आटा नहीं गूंदें। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है, इसे अब हम 15 से 20 मिनट तक ढक के रेस्ट करने देंगे। अब आप देखें ये मैंने इसको 20 मिनट तक रखा है, ये अब परफेक्ट है। इसको अब हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। कभी भी अगर आप आटा जब रखें, अगर आपका थोड़ा हार्ड हो जाए तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल के फिर से गूंद लें, और अगर बहुत आपका सॉफ्ट हो गया है तो थोड़ा सा सूखा आटा और डाल के आप उसको करेक्ट करें। तो अभी हम इसे बेलेंगे एक थिक चपाती में। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, आप ध्यान रखें, शकरपारे हमेशा मोटे बेले जाते हैं, नमक पारे हमेशा पतले होते हैं, बट इनको आप मोटा बेलें, बिकॉज उससे जो लेयर्स हैं, जो परतें होती हैं, वो शकरपारों की बहुत ही बढ़िया आती हैं। तो आप देखें मैंने इसको गोल बेल लिया है। साइड्स को अब आप काटें, आप चाहें तो इसको डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, जो भी आपको पसंद है आप वो दे सकते हैं। मैं जनरली छोटे स्क्वायर शेप के काटना पसंद करती हूँ। मैंने रेगुलर शकरपारे मैदे से भी बनाए हैं, चीनी से भी बनाए हैं, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो आप जब ये कट्स लगाएं, ध्यान रखें बिल्कुल शार्प कट्स हों। मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊंगी, आप देखें थिकनेस ये इतनी मोटी ज़रूरी है, ये इससे ज़्यादा पतली नहीं हो, वरना आपके शकरपारों में लेयर्स नहीं आएंगी। अब ऑयल को हमने मीडियम हॉट कर लिया है, उसमें आप थोड़ा सा आटा डाल के देखें, यह बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को मैंने कर दिया है लो पे, और इस पे अब हम डालेंगे अपने शकरपारे। आप हमेशा इस लैडल में डाल के इसके अंदर डालें तो छींटे बिल्कुल भी नहीं आएंगी। हमें इसे लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो बाहर से तो कलर आ जाएगा, बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसे लो फ्लेम पे बहुत ही पेशेंस के साथ आप इसको फ्राई करें। आप देखें 3 से 4 मिनट बाद इस पे हल्का कलर आ गया है और लेयर्स भी इसमें फॉर्म होने लग गई हैं। तो ये टोटल आपको एक बैच फ्राई करने में 7 से 8 मिनट जाएंगे। आप देखें ये अब परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारा कलर आया है इनमें। तो अब आप इसको रिमूव करें एक टिश्यू पेपर के ऊपर। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे, ये और खस्ता होते जाएंगे। तो लीजिए, आटे के आपके शकरपारे बन के बिल्कुल तैयार हैं, जिसमें हमने चीनी की जगह गुड़ यूज़ की है। आप देखें इसकी परतें और लेयर्स भी बहुत ही मज़ेदार आई हैं। दिवाली के लिए हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता लेयर वाली मठरी, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि हर बार ये परफेक्ट बने। डो बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा और अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों के बीच में क्रश कर लेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा।
अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। अब हम आटे में डालेंगे देसी घी और इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। घी डालने से जो आपकी मटरीज है वो बहुत खस्ता बनेंगी, इसको हम मोवन बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे, सैंड टाइप इसका स्ट्रक्चर होगा। आप ऐसे हाथों में पकड़ के देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसमें डालें पानी। पानी हमेशा आप नमक पारे बनाएं या शक्कर पारे बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके डालें, बिकॉज कई बार जो आटा होता है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत जगह की अलग होती है। तो हमें इसका पूड़ी टाइप आटा बनाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, थोड़ा हार्ड हो। अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो आपकी मटरी खस्ता नहीं बनेंगी। अब आप देखें ये परफेक्ट है, इसको हम 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। अब हम बनाएंगे साटा। इसके लिए मैंने लिया है देसी घी, उसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून मैदा। इसको हम लगाएंगे मटरी के बीच में, तो वो जो आप लेयर्स देखते हैं, जो परतें बनती हैं, वो इसकी वजह से होंगी। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम है। अब आप देखें 15 मिनट रेस्ट के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। अब हमें इसकी एक चपाती बनानी है। आप ध्यान रखें, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको आप जितना पतला बेल सके आप बेलें। तो जितनी खस्ता आपकी मटरी होगी वो ये बेलने पे डिपेंड करेगा। आप देखें, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इसे बहुत पतला बेला है। अब हम इसके ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे हमारा साटा। आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से करें, बिकॉज वो सबसे इवनली होगा। अब हम इसको रोल करेंगे एक सिगार की शेप में। तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आटा लें और रोल करें। आप ट्राई करें बीच में एयर उसके नहीं हो, तो आप अंदर की तरफ उसको खींचते हुए ये पूरी चपाती को रोल करें। तो अब आप देखें ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसको अब आप, अगर आपको कुछ एयर बबल्स अंदर लग रहे हैं, इस हिसाब से रोल दोबारा करें। मैं छोटी छोटी मटरीज बनाती हूँ, तो उस हिसाब से हम इसके छोटे पीसेस में कट करेंगे। आपको अगर बड़ी बनानी है आप थोड़ी बड़ी लें। अब इसको आप प्रेस करें, चाहे आप फिंगर की हेल्प से करें या अपने पाम की हेल्प से प्रेस करें। अब दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये कि इसको हमें अगेन बहुत पतला बेलना है, तो आप चकले को घुमाएं और आटे को नहीं। आप देखें इतना पतला है कि आप चकला देख सकते हैं। गोल बिले या नहीं बिले उसकी बिल्कुल हमें टेंशन नहीं करनी, क्योंकि हमें इसे एनीवेज फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत पतला हमने इसको रोल किया है, और ये अगर हम चकला नहीं हिलाते उसकी बिना ये हम नहीं कर पाते। अब आप इसमें लगाएं साटा और इसको भी अब हम दोबारा फोल्ड करेंगे। एक बार और आप इसको लगाएं, तो ये जो हम पफ पेस्ट्रीज बनाते हैं बिल्कुल सेम हम प्रोसीजर कर रहे हैं। इसको भी अब आप बंद करें। दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगी, आप इसको अब बहुत हल्का बेलें ताकि ये सील हो जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कई बार आपकी ये मटरी फ्राई होते वक्त खुल सकती है। अब आप इसको डॉक करें एक फोक की हेल्प से। ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी मटरी फूले नहीं। तो आप देखें बहुत आसानी से आप ये बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें बहुत पतला हमें इसे बेलना है। अब तेल को हमने गरम किया है मीडियम हॉट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप गैस को कर दें लो और धीरे धीरे करके अपनी मटरियों को डालें। हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। जैसे जैसे ये आप डालेंगे आप देखेंगे 1 मिनट बाद ये ऊपर फ्लोट होने लगेंगी। तो ये फ्राई करते वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो मटरीज हैं इनमें अंदर लेयर्स हैं और ये स्लो कुक होती हैं ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सकें। तो अब आप इसको बीच बीच में पलट के देखें। आप देखें मैंने इन्हें 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है, इनमें बहुत प्यारा कलर आ चुका है। इसको अब हम निकालेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो अब्सॉर्ब करे। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार लेयर्स आई हैं। मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, बिल्कुल अंदर तक परफेक्टली फ्राई हुआ है, कुक हुआ है।
आप देखें बहुत मज़ेदार ये खस्ता मछलीज बनी है। तो अगर आप भी हर बार ये टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आप भी ये खस्ता मछलीज आसानी से बना पाएंगे। दिवाली के लिए हम बनाएंगे बिना फ्राई किए बहुत ही कुरकुरा और मज़ेदार रोस्टेड पोहा चिवड़ा सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक हैवी बॉटम पैन में हम डालेंगे पोहा। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। ये मैंने पतला वाला पोहा लिया है। आप जब इसको रोस्ट करें ध्यान से करें, हल्के हाथ से करें, वरना ये टूट जाएगा। मैं आपको एक टिप दूंगी, ये 2 स्पून आप यूज़ करें रोस्ट करते वक्त। इससे आपको बहुत आसानी होगी और आपका पोहा टूटेगा भी नहीं। आप देखिए, अगर मैं आपको एक क्लोज़अप दिखाऊं, अब ये पोहा सिकुड़ चुका है, छोटा हो गया है। ये पहली निशानी है कि आपका पोहा परफेक्टली रोस्ट हुआ है। सेकंड ये है कि अगर आप उसे हाथों के बीच में लेके ऐसे दबाएंगे तो कुरकुरी आपको साउंड आएगी। अब उसी पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें अब हम डालेंगे रॉ पीनट्स। जी हाँ, ये पूरे चिवड़े को हम सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में पकाएंगे। हम किसी भी नट्स को फ्राई नहीं करेंगे। तो आप मूंगफली को अराउंड 60% तक कुक करें, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी इसका कलर हल्का डार्क होगा और इसमें से चटकने की आवाज़ आएगी। आप देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम। इनको मैंने बीच में से 2 हिस्सों में काट लिया है। तो मूंगफली को हमने सिर्फ 60% तक इसलिए कुक किया है क्योंकि हम बाकी के नट्स डाल के भी उनको साथ में कुक करेंगे। तो अगर आप सारी मूंगफली एक साथ कर देंगे तो वो बर्न हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, इन नट्स को हमें मीडियम से लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। इनमें भी अब हल्का कलर आ चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे ड्राई नारियल और रोस्टेड चना दाल। इसको भी अब हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो हमने सारे नट्स को एक साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि मूंगफली सबसे ज़्यादा टाइम लेती है पकने में, उसके बाद आपके नट्स और फिर नारियल चना दाल ये सब जल्दी हो जाते हैं। तो कुछ लोग अलग सेपरेटली रोस्ट करते हैं एक एक करके, बट क्योंकि हमें रेसिपी को ईजी बनाना है हम कुछ टाइमिंग्स को ध्यान में रख के सब कुछ एक ही पॉट में कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊं, सारे नट्स में बहुत प्यारा कलर आया है हल्का। अब इसको साइड में करके हम डालेंगे फ्रेश करी पत्ता और ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ में से मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। ये करी पत्ता बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है, आप इसको ज़रूर डालें। और हम इसको भी रोस्ट करेंगे जब तक ये कुरकुरे हो जाएं। तो अब हम इनको मिक्स कर देंगे बाकी सब में। आप देखें ये बिल्कुल परफेक्टली अब रोस्टेड है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे किशमिश और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस चिवड़ा बनता है। आप देखें सब में बहुत मज़ेदार कलर आया है। मैं अगर आपको दिखाऊं, नारियल, बादाम, काजू सब कुछ परफेक्टली रोस्ट हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और नमक। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको भी भुनेंगे 1 मिनट तक। ये इसलिए ताकि हल्दी कच्ची नहीं रहे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप ध्यान रखें जब आप स्पाइसेस डालें उस टाइम पे गैस को बंद कर दें, उसके बाद मिक्स करने के बाद ऑन करें। अब मैंने इसमें डाली है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये खट्टा मीठा चिवड़ा बनता है, तो अगर आप चीनी खाते हैं इसमें डालें, ये बहुत मीठा नहीं होगा, बस एक हल्की सी मिठास ऐड करेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा रोस्टेड पोहा और इसको अब हम मिक्स करेंगे अगेन 2 स्पून की हेल्प से। आप ध्यान रखें पोहा इस टाइम पे रोस्टेड है, बहुत कुरकुरा है। इसको हल्के हाथ से करें वरना उसका चूरा बन जाएगा।
तो आप देखें अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है, बहुत प्यारा कलर आया है। सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल से हमने बहुत ही हेल्दी मज़ेदार चिवड़ा बनाया है। आप इसको गिल्ट फ्री इन्जॉय कर सकते हैं चाय के साथ इस दिवाली में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए ये बनाएं। बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता नमक पारे आज हम बनाएंगे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आने वाले त्योहारों के लिए। डो बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, ब्लैक पेपर पाउडर, अजवाइन और उसी के साथ नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिलाएं। अगर आपको ब्लैक पेपर नहीं पसंद तो आप वो स्किप कर सकते हैं, मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है नमक पारों में। अब आप इसमें डालें ऑयल और ऑयल को भी हम अच्छे से मिलाएंगे। ये हम मोहन बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप अच्छे से आटे को ऑयल के साथ रब करें, ये करने से आपके नमक पारे बहुत खस्ता बनेंगे। तो आप इस तरह से देखें ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो ऑयल की क्वांटिटी हमारी परफेक्ट है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका आप एक फर्म आटा गूंदें। आपको मैं एक टिप दूंगी, आप हमेशा ध्यान रखें नमक पारे का आटा कभी भी सॉफ्ट नहीं हो। अगर आपका आटा नरम होगा तो जो नमक पारे हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो जो इसकी स्टिफनेस है वो आपकी जो पूड़ी होती है उस जैसी होगी, थोड़ी हार्ड। अब आप इसमें डालें 1 चम्मच ऑयल और इसको फिर से हम गूंदेंगे। तो आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे आटा गूंदने में, हमें एक सॉफ्ट डो चाहिए। तो ये अब रेडी है, इसको अब मैं रेस्ट करने दूंगी फॉर 30 मिनट्स। अब आधे घंटे बाद हम इसको एक बार हल्के से फिर रोल करेंगे। इनको अब मैं डिवाइड करूंगी 3 सेक्शंस में। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेलने में मुझे आसानी होगी। तो आप अब इसकी एक लोई बनाएं। तो नमक पारे बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप इसको बेलें बहुत मोटा नहीं बेलें। आप बेलन में लगाएं थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो चकले पे भी ऑयल लगा सकते हैं, इससे जो आपके नमक पारे हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो अब आप इसको इवनली बेलें सब तरफ से। जैसे मैंने आपको कहा जो नमक पारे होते हैं वो पतले होते हैं, जब हम शक्कर पारा बेलते हैं तो वो थोड़े मोटे होते हैं। अगर आप नमक पारे को मोटा बेल देंगे तो वो हार्ड बनेंगे और खस्ता नहीं। तो ये करेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब आप इसको काटें डायमंड शेप में, स्क्वायर शेप में, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हैं। तो आप देखें मैं इसको छोटे डायमंड शेप में काट रही हूँ। अब इन सबको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट के ऊपर। अगर ये साथ में चिपक भी जाएं तो कोई बात नहीं, जब आप नमक पारा को फ्राई करेंगे तो कढ़ाई में जाते ही ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम हॉट, इसमें अब हम डालेंगे हमारे नमक पारे। मैं आपको एक बार कंसिस्टेंसी जो इसकी थिकनेस है फिर दिखाऊंगी, आप ये ज़रूर ध्यान रखें मोटे नहीं हो वरना ये कड़क बनेंगे। अब आप नमक पारों को डालें धीरे धीरे करके ऑयल के अंदर। ध्यान रखें ऑयल इस टाइम पे हमारा मीडियम हॉट है और हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। आप देखें नमक पारा ऑयल में जाते ही अलग अलग हो गए हैं। तो अब आप इन सबको बीच बीच में स्टर करते रहें, हाई फ्लेम पे इसको कभी भी नहीं पकाएं वरना वो कच्चे रह जाएंगे। आप देखें 3 मिनट बाद इनमें हल्का कलर आ गया है, बट मैं 3 से 4 मिनट तक इनको और फ्राई करूंगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, नमक पारे फ्राई करके जब हम निकाल देते हैं प्लेट में उसके बाद भी कुक होते रहते हैं क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत होती है। तो आपको जो कलर चाहिए उससे एक शेड पहले आप इसको निकालें क्योंकि कुक होने के बाद भी ये थोड़े डार्क हो जाएंगे। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे खस्ता नमक पारे बने हैं। अगर जो मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स दी हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। नान खटाई हम सबको बहुत पसंद है, आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल नान खटाई अवन और कढ़ाई दोनों पे। सबसे पहले एक बोल में हम छानेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ हम लेंगे मैदा, बेसन, सूजी,
और बेकिंग पाउडर। अब आप इन सबको अच्छे से छाने ज़रूर, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि अगर इसके अंदर कोई लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, तो वो निकल जाएं। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी और इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। चीनी को भी आप ज़रूर छाने, क्योंकि जनरली पिसी हुई चीनियों में हमेशा लम्स रह जाते हैं, तो हम नहीं चाहते नान खटाई बनाते वक्त वो हमारे मुँह में आए। आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएं, तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। अगर आप चाहें तो बेसन, सूजी, मैदा की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस जो फाइनल मेजरमेंट है वो आप ध्यान में रखें। अब मैंने इसमें डाला है सॉल्ट और इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, डालडा भी डाल सकते हैं। ऑयल मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, वरना नान खटाई बनाते वक्त जब आप उसको बेक करेंगे तो वो फ्लैट पड़ जाएंगी, यानी कि बिल्कुल स्प्रेड हो जाएंगी। तो अब आप इसको हल्के हाथ से मिलाएं। ध्यान रखें, हमें इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है, सिर्फ इतना मिक्स करना है ताकि सब कुछ अच्छे से कंबाइन हो जाए। अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे घी कम है तो आप थोड़ा सा पानी, दूध या घी और डाल सकते हैं ताकि एक अच्छा सॉफ्ट डो बन के तैयार हो। तो आप देखें, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, और इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो आप देखें, नान खटाई का डो जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। अब ओवन में बेक करने के लिए ट्रे पे मैं लगाऊंगी पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। और अब मैं मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाऊंगी। मैं जनरली बहुत बड़ी नान खटाई बनाना पसंद नहीं करती, तो आप साइज़ हमेशा अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बॉल्स बना के रेडी करें। अब एक उंगली की हेल्प से मैं ऊपर टॉप में एक हल्का सा इम्प्रेशन दूंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाऊं तो वो बाहर निकले नहीं। मैं लगा रही हूँ इन पे पिस्ता, आप चाहें तो बादाम, काजू, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। इसको अब हम ओवन में बेक करेंगे, सेंटर रैक में, दोनों रॉड्स जहाँ ऑन हो उस तरह से। अब गैस पे बेक करने के लिए यहाँ एक प्लेट में मैं लगा रही हूँ देसी घी, और सिमिलरली अब हम इसके भी बॉल्स बनाएंगे और उसी तरह से तैयार करेंगे। तो यहाँ गैस में मैं अब ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक हीट होने दूंगी कढ़ाई को। 10 मिनट बाद अब मैं इस पे रखूंगी एक रैक, आप चाहें तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं। बहुत ध्यान से प्लेस करें क्योंकि गैस इस पॉइंट पे हमारी गर्म है। अब इसको हम मीडियम से लो फ्लेम पे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट तक। हाई फ्लेम पे नहीं करें, वरना आपकी जो नान खटाई है वो नीचे से जल जाएगी। आप देखिए, ओवन वाली जो हमारी नान खटाई है बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी है। मैंने इसे ठंडा कर लिया था। आप देखिए, बहुत ही मज़ेदार इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही डिलिशियस लगती हैं। गैस वाली भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बहुत ध्यान से आप प्लेट को निकालें। जैसे मैंने कहा, कढ़ाई इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसको भी अब आप कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद खाएं। आप देखिए, अगर मैं आपको इसका भी क्लोज़अप दिखाऊँ तो ये भी बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं। तो इनको भी मैंने ठंडा कर लिया है। तो ज़रूर बनाएं ये नान खटाई, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। मावा गुजिया आज हम बनाएंगे बिना किसी मोल्ड या सांचे के, बहुत सारे टिप्स के साथ, ताकि फ्राई करते वक्त वो कभी भी नहीं फटे। डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे मैदा और उसी के साथ देसी घी। जी हाँ, आप घी डालेंगे, हम मोहन बना रहे हैं। घी डालने से आपकी गुजिया खस्ता बनेगी। तो आप ऐसे इसे पकड़ के देखें, ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो मतलब घी हमारा परफेक्ट है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालें। जो कंसिस्टेंसी है आटे की वो हमारी पूड़ी के आटे जितनी होगी, बहुत सॉफ्ट आटा हमें नहीं बेलना। अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 15 से 20 मिनट तक। तो आप ढक के इसे रखें।
फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट और इसको हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे। नट्स को हम रोस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनका नेचुरल जो ऑयल है वो रिलीज़ होगा। सेकेंडली उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाली है सूजी और सूजी को भी हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा सूजी डालना पसंद नहीं करती, बट अगर आपको पसंद है आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। अब मैंने इसमें डाला है काजू और चिरौंजी और इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। तो जब हम नट्स को भूनते हैं तो उनके नेचुरल ऑयल्स रिलीज़ होंगे जिससे उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे मावा। ये मेरा होममेड मावा है जो मैंने घर पे बनाया है 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। तो मावा को हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक ताकि ये अपना घी अच्छे से रिलीज़ कर दे। मावा को आप कभी भी हाई फ्लेम पे कुक नहीं करें वरना वो चिपक जाएगा। तो आप देखिए ये भी अब हो चुका है। आप इसको मिलाएं बाकी की फिलिंग के अंदर और इस सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें तो ये बहुत ही मज़ेदार मावा गुजिया बनती हैं। आप देखें मावा में इनफ घी था। उसी के साथ हमने डाला है किशमिश और कुटी हुई इलायची। अब आप इसमें डालें पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने छान लिया है ताकि उसमें गुठलियाँ नहीं रहें। अब आप सबको अच्छे से मिक्स करें तो बहुत ही मज़ेदार हमारी मावा फिलिंग बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ अगर अब हम अपने आटे को देखें तो इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया हो गया है। आप इसको छोटी छोटी लोइयों में बनाएं। मैं बहुत बड़ी गुजिया नहीं बना रही, आप जितनी बड़ी या छोटी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप आटा लें। तो यहाँ अब हम इसको बेलेंगे। बेलते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप इसको इक्वली बेलें सब तरफ से, बीच में से पतली नहीं हो वरना फिलिंग भरते वक्त वो फट जाएगी। यहाँ रिंग कटर से मैंने काटा है, आप कटोरी भी ले सकते हैं। और अब सेंटर में हम इसमें डालेंगे फिलिंग। साइड में आप लगाएं पानी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी गुजिया खुल जाएगी। अगेन आप ध्यान रखें फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरें, अगर बहुत ज़्यादा भर देंगे तो अगेन जो आपकी गुजिया है वो फट सकती है। तो साइड्स को अच्छे से प्रेस करें और उसके बाद डबल श्योर होने के लिए हम फोक से भी इसको प्रेस कर रहे हैं। तो ये देखें ये अब बिल्कुल रेडी है। अब ऑयल को मैंने किया है मीडियम हॉट। इसमें अब पहले मैं डालूंगी 1 गुजिया और उसको हम तल के देखेंगे। आप देखें कुछ मिनट बाद वो ऊपर आने लगी है। उसके बाद मैं डालूंगी बाकी की गुजिया। आप एक साथ सारी नहीं डाल दें बिकॉज अगर वो एक फट सकती है जो आपने पहले तली है तो आपको मुश्किल होगी। तो अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई पे नहीं करें वरना ये कच्ची रह जाएंगी। आप देखें इनमें बहुत प्यारा कलर आ चुका है। तो हमारी गुजिया ऑलमोस्ट अब बन के रेडी है। आप इसको ट्रांसफ़र करें एक टिश्यू पेपर के ऊपर। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस मावा गुजिया बनती हैं। आप इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं।